खुशियां मना रहे थे एफएटीएफ की, भारत ने इनकी खुशियों पे एक बम गिराया है। भारत की आर्मी ने 33 पेज की एक दोसिए निकाली है पाकिस्तान की भारत में टेररिज्म की विद प्रूफ्स। अब वो एफएटीएफ को जाएगी। भारत हो, इसराइल हो या फिर चाहे अमेरिका, ये कभी भी नहीं चाहते कि हमारा जो प्यारा वतन है वो तरक्की करे, बल्कि ये अंदर ही अंदर इसकी जड़ें खोखली करना चाहते। बड़े बड़े झटके हैं जो पाकिस्तान को लगने आने के लिए और लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान में कितना गुस्सा है अपने ही पॉलिटिशियंस के खिलाफ। इंडिया की वो इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं, वो जो चीज चाहे वो करवाते हैं। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनकी मुलाकात भी हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन से, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन का वही जो है भारत को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रूस के साथ ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वो ना करें। और भारत, लेकिन वो भारत की पोजिशन अब बड़ी क्लियर है कि वो जो है यूएस के प्रेशर में नहीं आने वाला। कुछ नहीं है कि हम लोग ठीक नहीं है, पॉलिटिशियन ठीक नहीं है, सारे लोग ठीक है। अगर आर्मी ठीक होगी तो मेरे ख्याल से सारे लोग ठीक हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INA न्यूज के एक और वीडियो में। दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है और ये चाल इतना खतरनाक पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो सदमे में भी आ सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान में लगातार ये सर्दियाने बजाए गए कि जो पाकिस्तान है वो FATF से बाहर निकल रहा है और FATF ने कुछ जो लचक है वो पाकिस्तान की तरफ दिखाई, तब भारत ने एक बहुत बड़ा जो चाल है वो चल दिया है। और दोस्तों, भारतीय आर्मी ने 33 पन्नों की जो डोसियर है उसको IMF को सौंप दिया है और ये सब सबूत के साथ साथ सौंपे गए। कैसे पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान जो है वो दोनों ने मिलकर कैसे इंडिया के खिलाफ टेररिज्म किया। दोस्तों, ये जो चीज़ें इतनी खतरनाक हो सकती है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना न्यूज आ जाए कि पाकिस्तान जो है वो FATF में अभी भी फंसा हुआ है। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान पे कुछ ऐसी न्यूज आनी स्टार्ट हुई थी कि जो पाकिस्तान है वो FATF से बाहर निकल सकता है, तो उसी समय से पाकिस्तान में सदियाने बजाए जा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ये भी बोल रहा था कि आने वाले दिनों में भारत जो है वो कुछ ऐसी साजिश कर सकता है जिसकी वजह से हम जो है वो FATF से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन उसी समय जो पाकिस्तानी मीडिया है वो उनका ये बात करना आज कहीं ना कहीं साथ सच होता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों, इसीलिए आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कैसे पाकिस्तानी मीडिया में भर भर की बात होगी कि इंडियन आर्मी ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी और इसीलिए हम एक बार फिर से FATF के ग्रेलिस्ट में फंसे हुए हैं। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सचिवों पर क्या रिएक्शन है। पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के मिनिस्टर एहसान इकबाल का ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पे गए थे और वहां एक फास्ट फूड जॉइंट पे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में रुके कुछ खाने के लिए और लोगों ने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे ये पता लगता है कि पाकिस्तान में कितना गुस्सा है अपने ही पॉलिटिशियंस के खिलाफ। और सामने आ रही है ऐसी वीडियोस, पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां शाहबाज शरीफ के सामने चोर चोर के नारे लगे थे, सबको पता है वैसे। लेकिन ये जो वीडियो था इसमें कुछ लोगों ने मंत्री जी को घेरा और घेर करके उनके खिलाफ चोर 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 नारे लगाने शुरू कर दिए। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान से कहा है कि आप सजाए मौत को खत्म कर दें वरना हम GST+ खत्म कर देंगे। तो पाकिस्तान ने तो मना कर दिए, GST+ खत्म हो जाएगा, एक क्रम्बलिंग तबाहशुदा सोसाइटी और तबाह हो जाएगी। ये जो खुशियां मना रहे थे FATF की, भारत ने इनकी खुशियों पे एक बम गिराया है। भारत की आर्मी ने जो मैंने परसों वीडियो लगाई थी कि 33 पेज की एक दोसिए निकाली है पाकिस्तान की भारत में टेररिज्म की विद प्रूफ्स, अब वो FATF को जाएगी। और अभी बहुत कुछ FATF को जाने वाला है और जब ये पाकिस्तान आएंगे तो इनके साथ क्या होता है लेट्स सी। लेकिन उम्मीदें रखी हैं कि सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में से निकल जाएगा। इसकी एडवांस में मिठाइयाँ भी खा चुके हैं और पूरे पाकिस्तान के जितने टब्बर हैं ना, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो PTI है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो जरदारी हैं, अभी भुट्टो हैं, सब क्रेडिट भी ले चुके हैं उसका। ये बड़े बड़े झटके हैं जो पाकिस्तान को लगने हैं। ये तो सारी वजह जो है ना सिर्फ आर्मी की लगती है। अगर हमारी आर्मी ठीक है तो ये सब कुछ ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है
कि हम लोग ठीक नहीं है, पॉलिटिशियन ठीक नहीं है, सारे लोग ठीक है। अगर आर्मी ठीक होगी तो मेरे ख्याल से सारे लोग ठीक हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है आर्मी में क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है जो कि हर चीज़ जो है यहाँ पर आके हमारे मुल्क पर ख़त्म हो जाती है? हमारे यहाँ पर मुल्क में आकर लोग इन्वेस्ट नहीं करते, यहाँ पर हेटनेस ही हेटनेस आती है सिर्फ। बस उनके लिए जो अच्छा होगा ना वो यहाँ पर हो सकता है, बाकी अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं है कि जो आवाम के लिए अच्छा ना वो कभी भी नहीं चाहते। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आर्मी, आप कह रहे हैं यहाँ पर देखते हैं कि आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स मतलब हुक्मरान को हटाती है, अदर ममालिक देखते हैं तो हुकूमत आर्मी को बदलती है, फिर क्या रोल आ जाता है इसमें? वही बेसिकली, ये तो शुरुआत से ही चल रहा है मामला ऐसे ही कि जो आर्मी के पंगे खड़े हैं ना, हम लोगों को हम लोग अगर नीचे ना, अगर पाकिस्तान नीचे है तो वो सिर्फ आर्मी की वजह से। हम लोग आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर जो निचले लेवल पर लोग हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं उनसे हमारा बहुत ज़्यादा प्यार है, मगर जो हमारे सीनियर आर्मी के जितने भी मेंबर हैं ना वो सब के सब गलत हैं। उनकी वजह से आज पाकिस्तान जो है ना वो इस हद तक पहुँच चुका हुआ। देखें, हमारा सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हम नेशनलिस्ट नहीं हैं। हमारा हर पार्टी, आप नाम लें, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, इमरान खान की PTI हो, कोई भी पार्टी हो, वो नेशनलिस्ट बाद में हैं, पहले अपना मफाद पहले देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क को ऐसा नुकसान हो रहा है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, मैंने उनको भी बहुत क्लोजली स्टडी की है, वो नेशनलिस्ट हैं, उनके लिए पहले अपना मुल्क है, बाद में कोई और चीज़ है। और जहाँ तक आपने बात की डॉलर प्राइस की, मुझे वो वक्त भी याद है कि पाकिस्तान के मुकाबले में इंडियन रुपी हाफ वैल्यू का होता था। अगर इंडियन का एक डॉलर लेने के उन्हें 50 रुपये देने होते थे, हम 25 रुपये में वही अपना डॉलर खरीद लेते थे। बात यह है ओवर द टाइम उन्होंने बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के तहत ये आज कंडीशन अचीव की है। पाकिस्तान में इस तरह की कोई भी पॉलिसीज़ नहीं बनाई गई और बनने भी नहीं दी गई। यही तो बात है कि क्यों नहीं बनाई गई और क्यों बनने नहीं दी गई। बात दो तीन उसमें चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन, एक तो ओवर द टाइम करप्शन इस कदर प्रिवेल कर गई हमारी सोसाइटी के अंदर जो पहले नहीं थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी कि कैसे जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ इंडियन आर्मी ने डोसियर दिया, और दूसरा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है अभी उसके खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं FATF के बारे में। तो FATF ने जो पाकिस्तान की तरफ है वो कुछ ना कुछ लचक दिखाई थी, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो FATF के गले से निकल जाएगा, और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पे खुश भी थे कि उनका देश जो है वो FATF के जो गले लिस्ट में फंसा हुआ है उससे बाहर निकलेगा। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई है कि भारतीय आर्मी जो है उन्होंने पाकिस्तान जो कि इंडिया में टेररिज्म किया है उसके 33 पन्नों की डोजियर जो है वो सबूत के साथ IMF में पेश कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो IMF है वो इस पर क्या एक्शन लेता है। लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज है, और ये जो न्यूज है अब कुछ दिनों में पाकिस्तानियों के पास भी पहुंच जाएगी, तब आपको देखने को मिले कैसे पाकिस्तानी जो है वो रोते हुए नज़र आएंगे और भारत की साजिश बताते हुए भी नज़र आएंगे। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने इस वीडियो में भी देखा कि जो अभी गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, उनकी पार्टी के लोगों और उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे हैं। दोस्तों, इमरान खान ने जिस प्रकार से रेडिकलाइज किया है उससे अब ये साफ पता चल चुका है कि जो इमरान है उसने पूरे मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया है, और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि इसी का फ़ायदा उठा के जो बलूचिस्तान है वो अलग हो सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान भी इन सब चीज़ों पर देख रहा है। लेकिन जिस तरीके से चोर चोर के नारे लगाए जा रहे हैं ये पता चलता है कि इमरान खान ने लोगों को जो है वो अलग बांट दिया है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए देखते रहे INL न्यूज़।